पाकिस्तान के मारूफ अदाकार फिरोज खान की साबका अहलिया अलीजे सुल्तान ने फिरोज खान से अलहदगी क्यों ली, उन्होंने इंस्टाग्राम पे सब बता दिया। दोनों की अलहदगी के बाद नाकदीन अदाकार फिरोज खान को इस रिश्ते के ख़त्म होने का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। नाकदीन ने कहा है कि अदाकार गुस्सा करने वाला बदतमीज इंसान है जो हर चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। फिरोज खान अब इस वक्त मुश्किल में हैं जब उनकी साबका अहलिया अलीजे सुल्तान खान ने उनके साथ 4 साल से जारी बदसलूकी के बारे में खुलकर बात की है। अलीजे सुल्तान ने कहा है कि बाज़ औक़ात मुझे घरेलू तशद्दुद का भी सामना करना पड़ा। अलीजे ने मजीद कहा कि उन्हें अपने बच्चों के मुस्तकबिल की वजह से तलाक का इंतखाब करना पड़ा, मैं अपने बच्चों की परवरिश खराब माहौल में नहीं करना चाहती। अलीजे सुल्तान खान ने अपने इंस्टाग्राम पर पूरी कहानी बयान करते हुए लिखा कि हमारी 4 साल की शादी सरासर अफरा तफरी का शिकार थी। इस अरसे में मुसलसल जिस्मानी और नफसियाती तशद्दुद के अलावा मुझे अपने शौहर के हाथों बेवफाई, ब्लैकमेलिंग और रुसवाई भी बर्दाश्त करना पड़ी। गौर व फिक्र के बाद मैं इस अफसोसनाक नतीजे पर पहुंची हूं कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस होलनाक तरीके से नहीं गुजार सकती। मेरे बच्चों की भलाई इसी में है कि मैं फिरोज से अलग हो जाऊं। उन्होंने लिखा कि मैं नहीं चाहती कि वो जहरीले गैर सेहतमंद और पुरतशद्दुद घराने में परवान चढ़ें। मुझे डर है कि उनकी जहनी नशुमा और ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दूसरी जानिब कराची की मकामी अदालत ने अदाकार फिरोज खान को अदालती इजाज़त के बगैर बच्चों से मुलाकात से रोक दिया है और अदालत ने केस की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है।